आज प्रोग्राम ॾाढो खूबसूरत तरीके से हले रहा है, किथे असा वॉर्न करे रहा है माण्हुनि खे, किथे असां एंटरटेनमेंट ॾेई रहा आहियूं माण्हुनि खे। ऐं जी हिते थोरी सो कुझु उहे ॻाल्हियूं बि प्रोग्राम में कंदासीं जेके अक्सर मां जी चवंदी आहियां, जेके तव्हांजे ऐं असांजे लाइ फ़ाइदेमंद बि साबित थी सघनि थियूं। कुझु पर्सनैलिटीज़ अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेकी इंस्पिरेशन हूंदियूं आहिनि, लिविंग इंस्पिरेशन हूंदियूं आहिनि। असां हमेशह इंस्पिरेशन उन्हनि खे ठाहींदा आहियूं जेके ख़बर नाहे कि ज़माना पहिरीं जा हूंदा आहिनि। बट हिकु उहा अहिड़ी पर्सनैलिटी आहे जंहिंसां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे, जेका पाण सेल्फ मेड आहिनि, न सिर्फ़ु बिज़नेस करे रहिया आहिनि, माशाल्लाह सां राइटर बि आहिनि, काफ़ी सारा बुक्स आहिनि जेके जनाब पाण लिखिया आहिनि। पाण जे हिन वक़्तु काउंसिल जनरल यमन आहिनि। गॾोगॾु जी जॾहिं मां रिवॉर्ड्स जी अवॉर्ड्स जी ॻाल्हि कयां थी त खोड़ सारा अवॉर्ड्स आहिनि, खोड़ सारा आहिनि जिन जे बारे में असां टाइम टू टाइम ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। पर तमगा इम्तियाज़ ऐं रीसेंटली अलहमदिल्ला सितारा इम्तियाज़ जनाब जी शान सां गॾु लॻे थो गॾोगॾु यमन जी तरफ़ां बि को अवॉर्ड मिलियो आहे, थोरो सो उनजे बारे में बि ॻाल्हाईंदासीं। असां गॾु ॾाढी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी डॉक्टर मिर्ज़ा इख़्तियार बेग साहिबु आहिनि, चेयरमैन आहिनि बेग ग्रुप जा, असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो बेग साहिबु? बहुत करम। तबियत कीअं आहे? ज़िंदगी कीअं आहे? कैसी गुज़र रही है? कहाँ गुज़र रही है ज़िंदगी बेग साहिबु? ये वो रूटीन ज़िंदगी है हमारी, तो बिज़नेस भी देखना पड़ता है, फिर यमन के कौंसल जनरल की हैसियत से सफारती खदमात हैं, वीज़ा वगैरह इसमें भी इंगेजमेंट हो जाती है, फिर बिज़नेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जी जी बिल्कुल जी हाँ, तो वो पॉलिसी मेकिंग एक फोरम है और मुल्क की जो इकॉनमी की सिचुएशन है, तो हर दो तीन दिन बाद इस्लामाबाद बुला लिया जाता है। अभी IMF की टीम आई है, उसके कल से मुज़ाकरात शुरू हुए, उससे पहले हमारे साथ हुकूमती सतह पे स्टेट बैंक वगैरह के FBR के जी जी जो नए टारगेट्स अचीव करने हैं तो वो डिस्कस करते हैं। अब जैसे गैस की कीमतें 193% बढ़ाई हैं जी, तो ये कभी अनप्रेसिडेंटेड, इतना ज़्यादा कभी नहीं बढ़ा, कभी यानी 200 गुना कीमतें बढ़ा दें तो, लेकिन IMF की शर्त थी और वो आई वहाँ पे, जब हमने वहाँ हमने कंफर्म करा कि आपसे किया गया ये जो माहदे में कमिटमेंट था वो हमने कीमतें बढ़ा दी हैं, रेंट भी बढ़ा दी हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे जो 50 रुपये फी लीटर चार्ज करते थे उसको बढ़ा के 60 रुपये फी लीटर कर दिया है जी, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, तो ये सब चीज़ें IMF को बताई। उसके साथ दो एक अच्छी बातें भी थी, वो अल्लाह ताला ने करम करा हो गई कि रेवेन्यू का टारगेट हमारा पूरा हो गया, पूरा हो गया, जबरदस्त। इस माशी सूरत हाल में जब माशी तनजुली है जी और माशी सरगर्मियां सुकड़ी हैं, उसमें रेवेन्यू का इजाफी मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। रेवेन्यू मिलता ही है जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेज हो रही हूँ, ज्यादा हो रही होती हैं जी जी। तो वो हमने बड़ा IMF को बताया कि जी हमने आपका हदफ हासिल कर लिया है, रुपया भी अल्लाह ताला ने मुस्तहकम रखा है, हालांकि अभी पिछले 3-4 दिन से टूट रहा है डॉलर, फिर बढ़ रहा है एक हाँ जी, लेकिन ऐसे ही है। वो जो 30 रुपए का फर्क ऑफिशियल अनऑफिशियल में और 25 रुपए का फर्क इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में था, वो अल्लाह का शुक्र है खत्म हो गई है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ज़रा इसकी बड़ी डिटेल में हमें जाना है, हमने सॉन्ग की तरफ भी जाना है, लेकिन आपने ये बात छेड़ी है तो मैं ज़रा इस पर ज़रा जाना चाहती हूँ। ये जो आपने रुपये की बात की कि हम कभी 1 रुपया तो चले 25-30 रुपये से चले हम निकल के आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी 1 रुपया बढ़ रहा है, 2 रुपया बढ़ रहा है। आप माशाल्लाह से आपने यू नो ज़ीरो से स्टार्ट किया है हर चीज़, आप बिज़नेस को बखूबी समझते हैं, तो ये जो रुपए की स्टेबिलिटी नहीं हो रही पा रही, आप ख़ुद समझते हैं कि ये एक आम बिजनेसमैन के लिए बड़ा एक एक मुश्किल पड़ाव होता है कि जब आपका आपकी करेंसी जो है वो नहीं बल्कि ये एक इतना तकलीफ दे चीज़ होती है, क्योंकि जब हम सौदे कर रहे होते हैं तो हमें ये हिसाब लगाना पड़ता है कि जब डॉलर आएगा तो हमें कितने रुपए मिलेंगे, हाँ जी, उससे फिर देखते हैं प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। इसमें हम पोजीशन में नहीं थे कि हम कोई डॉलर की कीमत रुपए की कीमत के अगेंस्ट अपने तौर पे तयन कर लें, तो एक अंधेरे में है कि जी डॉलर यहाँ पे भी जा सकता है और डॉलर यहाँ पे भी आ सकता है, वो हम नहीं कर सकते। अभी 100 कंटेनर का एक ऑर्डर था, उन दिनों में जब डॉलर बहुत ऊपर जा रहा था, मैंने कहा मैं जुआ नहीं खेल सकता,
सट्टा नहीं कर सकता जी। तो हमने आधा ऑर्डर लिया कि भाई खुदा ना खास्ता अगर फिर रुपए की कीमत जो है कम हो जाती है, जी जी सॉरी डॉलर की कीमत मजीद कम हो जाती है, कम पैसे मिलेंगे तो नुकसान में आप आ जाएंगे, नुकसान में आ जाएंगे। तो बिल्कुल, ये अनसर्टेन सिचुएशन जहर कातिल है, ऐसे ये बिजनेस कम्युनिटी के जुमला में इस्तेमाल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये अनसर्टेन सिचुएशन कि ना इधर का पता कहाँ जाएगी ना उधर का पता जाएगी, आगे एक महीने बाद क्या होगी जी, ये जहर कातिल बिजनेस करने के लिए, एक्सपोर्ट्स करने के लिए, फैसले करने के लिए, सरमायाकारी करने के लिए जी। तो जी, ये अब इस हम बड़ा भाग हमारी हमारे जो लोग हैं स्पेसिफिकली हमारी यूथ, वो बिजनेस से मुझे लगता है भागती भी इसीलिए है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम पता नहीं स्टेबल होंगे नहीं होंगे क्या होगा। हमारे यहाँ जो चीज़ चल रही है बदकिस्मती से वो स्पेकुलेशन है, जिसको हम कहते हैं सट्टा। हम सोच के कि जी अब डॉलर जा रहा है तो ये एक महीने के बाद 340 रुपए का होगा, तो हमने ऑर्डर पकड़ लिया 340 रुपए मिलेंगे, वहाँ डॉलर आके 280 में जी जी, सही है ना जी। तो आप तो पिट गए। बिजनेस में आपको कमिटमेंट भी ऑनर करना पड़ता है, शिपमेंट भी करनी पड़ती है, क्योंकि जुबान का खेल है। और जो कर दिया आपने तमाम अखलाकी हदूद को पूरा किया तो आप लेट गए, क्योंकि 280 रुपए का मिला है आपको जो आपने 340 में कैलकुलेट किया। तो ये चीजें मैं कहता हूँ बिजनेस में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एक चीज हो आगे पीछे 3-4 रुपए 5 रुपए किक बर्दाश्त कर सकते हैं, बट 35-40 बिल्कुल ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है।